सुबह के करीब 6 बजे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ पुरी के गोल्डन बीच पर, तो वहाँ पर सनराइज वगैरह देखेंगे और थोड़ा एंजॉय भी करेंगे। अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ। कल प्राइड अनन्या से गोल्डन बीच करीब 1 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों चलते हैं गोल्डन बीच विद फैमिली। ओके हिप हुरे। पुरी में काफी ग्रीनरी है और लाइन से कोकोनट ट्री दिखते हैं। करीब 10 मिनट में हम गोल्डन बीच पहुंच जाएंगे। मौसम बहुत ही शानदार है और रात को यहाँ पर काफी अच्छी बारिश भी हुई है, तो सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही है। बीच पर सनराइज देखना एक अलग ही एहसास देता है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति भी लगी हुई है। मैं जिस बीच पर जा रहा हूँ वो फ्री वाला बीच है। थोड़ा आगे जाने पर प्राइवेट बीच भी है जिसकी चार्जेस 40 रुपीज पर पर्सन है। अब बीच पर चलते हैं। लहरों की मस्त आवाज कानों में पड़ते ही मस्ती आ जाती है। फैमिली मेंबर्स पर शादी का खुमार छाया हुआ है, सभी अलग ही जोश में हैं। यहाँ पर बहुत ही शानदार माहौल है। बीच के आसपास एक से एक शानदार रिसोर्ट होटल्स हैं, 2 स्टार कैटेगरी से लेकर 5 स्टार कैटेगरी तक। लहरें ऐसे आ रही है जैसे कि आपका पीछा कर रही है। बीच पर हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग करके अपने दिन को स्पेशल बना सकते हैं। बीच पर जेमस्टोन ज्वेलरी वाले भी घूमते रहते हैं। संभल के परचेजिंग करें क्योंकि जेमस्टोन ज्यादातर सिंथेटिक होते हैं। चाय, कॉफी, चाट, स्नैक्स, काफी कुछ खाने को बीच पर मिल जाता है। आज के दिन की
शुरुआत बहुत ही शानदार हुई है। थोड़ा आगे जाने पर करीब 400 फीट गहरा है समुद्र। लाइफगार्ड, पुलिसमैन बार बार सभी को आगे जाने से मना करते हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है बीच पर। हम पूरी आए हैं, इसकी शादी अटेंड कर रहे हैं। पूरी में हम जो एंजॉय करें, इसके लिए हम इस जूने राजा को थैंक्स कहना चाहेंगे। थैंक यू अपूर्व। फ्रेश सी फूड भी यहाँ से खरीद सकते हैं। मछुआरों के जाल में काफी सारी मछलियां फंसी है और केकड़े वगैरह भी हैं। बड़ी अजीब अजीब सी मछलियाँ, मैंने तो कभी देखी भी नहीं इस तरह की मछली। अब वापस चलते हैं, करीब 3 घंटे एंजॉय करके होटल वापस चलते हैं। अब चलते हैं होटल और शांति शादी के लिए तैयार होते हैं। Yeah.